ये हमारे जो मुख्य संयोजक हैं राधेश्याम जी, राधेश्याम गर्ग जी, सिमरा सिंह जी के साथ ही मैं रिक्वेस्ट करूंगा चंदोलिया जी भी प्लीज एक बार मंच पर खड़े हो जाए। जोरदार तालियों बजाते हैं, प्रशांत कह रहे हैं जोरदार तालियों मनीष शिवराज जी के लिए। अब ध्यान गोयल जी से निवेदन के इशारा पहना कर स्वागत करेंगे। हाँ प्लीज मेरे बीच में योगेंद्र गर्ग जी, आर एस गोस्वामी जी प्लीज एक बार उत्तर आए, मेरे पर स्वागत करते हैं। श्री दीपक गोयल जी, राकेश गोयल जी, सुरेश जैन जी प्लीज जो हमारे संयोजक हैं प्लीज एक बार आए, ऊपर आए, मंच पर आए, एक बार उनका स्वागत करें। विनोद गर्ग जी, सतकुमार गर्ग जी प्लीज एक बार, सतकुमार गर्ग जी क्योंकि हमें सुभाष सिंह को भी सुनना है और योगेंद्र गर्ग जी को भी सुनना है, योगेंद्र चंदनिया जी को भी सुनना है प्लीज। योगेंद्र गर्ग जी प्लीज एक बार आए मंच पर। श्री सतकुमार गर्ग जी, सुरेंद्र जैन जी हमारे बीच में, सुरेंद्र जैन जी है, मोहनलाल यादव जी, मोहनलाल यादव जी राजकुमार पंजाब जी, दीपक कुमार जी, राजेश गर्ग जी, राजेश अग्रवाल जी, राजेंद्र गोयल जी एकता जो हमारे संयोजक रहे हैं प्लीज एकता स्वागत करो। और मैं तुरंत मंच मैं योगेंद्र चंदनिया जी को दे रहा हूँ, उसके बाद हम सुभाष सिंह जी का उद्बोधन सुनेंगे। चौहान जी को, योगेंद्र चंदोलिया जी को और जो सम्मान करते जा रहे हैं प्लीज एक बार, विजेंद्र गुप्ता जी का भी एक बार प्लीज टोपी पहनाकर, जय भगवान अग्रवाल जी का प्लीज आप भी एक बार मंच पर आ जाए। हाँ हमारे बीच में सुमिंदर कौशिक जी, नीलम हमारे बीच में ऋतु गोयल जी प्लीज एक बार मंच पर आए प्लीज, क्या अग्रवाल जी प्लीज, ऋतु गोयल जी भी हमारे बीच में है, चित्रा अग्रवाल जी भी है, सुभाष जी एक बार प्लीज, सुमिंदर कौशिक जी भी हमारे बीच में है, निगम पार्षद है, ऋतु गोयल जी हमारे बीच में है प्लीज एक बार मंच पर आ जाए। चित्रा जी हमारे निगम पार्षद है, हमारे श्री प्रवेश भाई जी प्लीज एक बार जल्दी से एक बार उनका स्वागत सम्मान। हमारे बीच में स्टेट प्रवक्ता चंद्रेश यादव जी भी हमारे बीच में है, हमारे बीच में निर्मला चहल जी हैं, आप इस क्षेत्र से हमारे इस विधानसभा से हमारे पूरा इस क्षेत्र का प्रभारी हैं, देख रही हैं। हाँ 15-20 मिनट के अंदर कोड ऑफ कंडक्ट लग जाएगा, मैं चाहूंगा कि योगेंद्र चंदोलिया जी को एक बार हम मंच पे सुन लें प्लीज, 15 मिनट का विषय है सिर्फ, और उसके बाद शिवराज सिंह चौहान अगर हमारे विजेंद्र गुप्ता जी दो शब्द बोलेंगे और फिर हम शिवराज सिंह चौहान जी को सुनेंगे प्लीज। श्री प्लीज एक बार मंच खाली कर ले, हमारे
प्रिय नेतवा मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी, दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के पूर्व अध्यक्ष और यहां के लोकप्रिय विधायक विजेंद्र गुप्ता जी, यहां के पूर्व विधायक जयभगवान अग्रवाल जी, लोकप्रिय निगम पार्षद या तीन निगम पार्षद प्रवेश भाई जी, रिपु गोयल जी, सुनीता कौशिक जी और यहां पर उपस्थित मंच पर सभी समाज के प्रबुद्ध लोग और मैं उम्मीदवार जरूर हूं, लेकिन आज मैं मेरे प्रिय नेता को सुनने के लिए आया हूं। 2002 में जब मैं दिल्ली नगर निगम का चुनाव लड़ रहा था, जब मैं 2002 का चुनाव लड़ रहा था नगर निगम का, तो मैं युवा मोर्चे का प्रदेश अध्यक्ष था और आदरणीय शिवराज जी राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। भाई साहब का मुझे फोन आया कि मेरा युवा मोर्चे का प्रदेश अध्यक्ष चुनाव लड़ रहा है, मैं आपके लिए वोट मांगने के लिए आऊंगा। तो मैंने भाई साहब को कहा था, भाई साहब ये चुनाव नगर निगम का है और मैं ही शिवराज हूं। मैंने कहा मैं ही शिवराज हूं और आज 22 साल बाद आज शिवराज जी लोकसभा में मुझे भेजने के लिए, मुझे आशीर्वाद देने के लिए आए हैं। मैं उनको स्वागत करता हूं और मैं उनका केवल भाषण सुनने के लिए आ रहा हूं। शिवराज सिंह चौहान जी प्लीज, अरे उससे पहले प्लीज माफी चाहता हूँ, श्री विजेंद्र गुप्ता जी प्लीज। आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी, भाई योगेंद्र चंदोलिया जी, ज्ञान अग्रवाल जी और मनपुर पति सभी गणमान्य बहनों और भाइयों, आपके और शिवराज जी के बीच में मैं ज्यादा देर रुकना नहीं चाहता। आप सब परिचित हैं, आप सब हम लोग रोजाना बात करते हैं, मिलते हैं। सिर्फ इतना कहूंगा कि शिवराज जी बहुत दूर से चल के हमारे बीच में आए हैं और दिल्ली के ट्रैफिक को तो आप जानते ही हैं, कितना समय लगा है। साउथ दिल्ली में पहला कार्यक्रम था आपका ईस्ट ऑफ कैलाश में, और वहां से आते आते जिस तरह इस समय पीक आवर्स होते हैं, तो मैं चाहूंगा कि सीधा मैं शिवराज जी को आमंत्रित करता हूं और योगेंद्र चंदोलिया जी को भारी मतों के अग्रवाल समाज जिता करके भेजेगा। मैं ये शिवराज जी को आमंत्रित करता हूं। आदरणीय शिवराज जी को दोस्त, कभी पुराने नहीं होते।
आदरणीय बलराम मासी जी हम लोग सांसद रहे साथ साथ, बहन सुनीता कौशिक जी यहां उपस्थित, मेरी लाडली बहनों, प्यारे भाइयों, भांजे भांजियों, मामा का दोनों हाथ जोड़े, भाई किसी ने तो आती जाती रहती है, ये मामा और भैया बनना नहीं। आज आपके बीच में आके मैं बहुत प्रसन्न हूं और पगड़ी पहना के आपने मेरा सम्मान किया है। भारत की धरती पर पगड़ी से बड़ा सम्मान और कोई होता नहीं। मैं भी आप सबको, विशेषकर अग्रवाल समाज को, यह विश्वास दिलाता हूं कि आपका मान, आपका सम्मान और भारत माता की शान कभी जाने नहीं गए। राजनीति हमारा शौक नहीं है, राजनीति हमारा धंधा भी नहीं है, राजनीति को हमने सेवा के रूप में स्वीकार किया है। राष्ट्रीय पुनर्निर्माण के लिए राजनीति, जनता के कल्याण के लिए राजनीति, देश के विकास के लिए राजनीति, नरेंद्र नारायण की सेवा के लिए राजनीति, वैभवशाली, गौरवशाली, संपन्न, समृद्ध और शक्तिशाली भारत के निर्माण के लिए राजनीति। आप सब पूछ लीजिए, आप सब जानते भारत अत्यंत प्राचीन और महान राष्ट्र है। 5,000 साल से तो ज्यादा ज्ञात इतिहास है हमारा। जब दुनिया के तथा कथित सभ्य देशों में, विकसित देशों में सभ्यता के सूर्य का उदय नहीं हुआ, तब हमारे यहां वेदों की ऋचाएं लिख दी गई थी, रचती गई थी। ये वो धरती है जिसने आज ने हजारों साल पहले कहा, सिया राम में सब जग जाने, एक ही चेतना सब में है। सृष्टि के कण कण में भगवान विराजमान है, हर एक आत्मा परमात्मा का अंश है, हर एक घट में बस वही समाया हुआ है। और जिस धरती ने कहा आत्मवत सर्वभूतेषु, सबको अपने जैसा मानो, जियो और जीने दो का संदेश हो, या संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हमारे ऋषियों ने हजारों साल पहले कह दिया, अयम निजम परा वेत्ति गणना लघु चेत साम उदार चरिता नाम तू वसुदैव कुटुंब। कैसी धरती और कैसा देश है। आज भी बच्चा बच्चा हमारा ये मंत्र उद्घोष करता है, धर्म की जय हो और अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो। आप शब्दों पर ध्यान दीजिए, प्राणियों में सद्भावना, ये भारत जैसे मनुष्य मात्र की बात नहीं गई, प्राणियों में सद्भावना हो और विश्व का कल्याण हो। कौन सी धरती ऐसी होगी जिसने विश्व के कल्याण की कामना, ये वो धरती है जिसने कहा सर्वे भवन्तु सुखिनः, अकेले हम नहीं, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे वदनानि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखात्। सब सुखी हो, सब निरोग हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। और आज के गर्व के साथ कहते जो भारत ने कहा था, बीच का कालखंड गुलामी का कालखंड था, और कहते मुझे तकलीफ होती, देश की आजादी के बाद भी भारत को गलत दिशा में ले जाने का पाप कांग्रेस ने किया, माफ कीजिएगा स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने भी किया। हमारा देश, हमारा दर्शन, हमारी संस्कृति, हमारे जीवन मूल्य जो दुनिया को दिशा दे सकते उनको छोड़ दे, हम चल पड़े विदेश की राह पर। कभी कम्युनिस्टों का रास्ता, कभी समाजवादियों का रास्ता, वो रास्ता कल्याण का रास्ता नहीं था। अब दुर्भाग्य देखिए, एक देश में दो विधान, दो निशान, दो प्रधान, जरूरत क्या थी। 3 दिन और युद्ध चलता तो संपूर्ण कश्मीर से पाकिस्तानियों को खदेड़ दिया जाता, लेकिन पंडित जी ने युद्ध विराम कर दिया और एक तिहाई कश्मीर आज भी पाकिस्तान के हिस्से में रह गया। अब भारत 370 तो हटिए, मुझे कहते हुए गर्व और आनंद है कि पीओके पूरा का पूरा हमारा है, हम उसे लेकर सरकार की गलत नीतियों के कारण मेरा देश बटा,
370 जैसी धाराएं लगी, आज गर्व होता है कहते हुए। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जो नारा लगाया था, कश्मीर में प्रवेश किया था, एक देश में दो निशान, दो निशान, दो विधान, दो प्रधान नहीं चलेंगे, और तब लोग सोचते थे कि कभी हमने शक्ति धारा 370। धमकियां दी जाती थी, खून की नदियां बह जाएगी, आग लग जाएगी, लेकिन गर्व है हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी को जब पूरा बहुमत प्राप्त हुआ तो धारा 370 हटा दी गई, और पत्थर तक नहीं हिला, पत्थरबाज गायब हो गए। खून की नदियों की बात करते हो, रिकॉर्ड वोटिंग हो रही है कश्मीर की धरती पर, बताओ ये परिवर्तन नहीं है? और ये परिवर्तन पहले नहीं लाया जा सकता था क्या? देश को झुकाने का पाप कांग्रेस ने किया, पिति पिति से देश हमें डराते थे, पिति पिति से देश आंखों बताते थे, और भारत के प्रधानमंत्री क्या करें, अंतर्राष्ट्रीय मामले, मोदी जी ने कह दिया हम किसी को छेड़ेंगे नहीं, लेकिन किसी ने हमें छेड़ा उसे हम छोड़ेंगे। आप बताइए होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? देश को स्वाभिमान के साथ जीना चाहिए कि नहीं? अरे 140 करोड़ का देश भूख भी मार दे तो ऐसे देश उड़ जाए। भारत माता की, भारत माता की। और आज संपन्न समृद्ध और शक्तिशाली राष्ट्र का निर्माण हो रहा है, किसी को मारने के लिए नहीं, डराने के लिए नहीं। मैं स्वामी विवेकानंद जी की एक बात आपको कहना चाहता हूँ। 100 साल पहले स्वामी विवेकानंद जिनका नाम था नरेंद्र, नरेंद्र कहते थे बंगाली में, नरेंद्र, आप मेरे शब्दों को ध्यान देना, ये विवेकानंद जी ने कहा था। सुदीर्घ रजनी समाप्त हुई जान पड़ रही, महानिशा का अंत निकट है, जो अंधे हैं वो देख नहीं सकते, जो बहरे हैं वो सुन नहीं सकते, लेकिन मैं स्पष्ट रूप से देख रहा हूं भारत माता एक बार फिर से अंगड़ाई लेके खड़ी हो रही है और विश्व गुरु के पद पर आसीन हो रही है।